दोस्तों की ये डोरी है। तुम सड़क पर सोई पड़ी थी इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया, पर हमको पता नहीं था कि इतनी जल्दी तुम हार मान लोगी। इतना ही प्यार था तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाबा के लिए। तो मैं क्या करूं? मैंने सारी कोशिश की, देखिए अपने बाल भी काट दिए, रूप बदल लिया, अपनी पहचान भी भूल गई। मगर पापा को गंदी टकराई ने बहुत बुरी तरह अपने झूठे प्यार में फंसा लिया। मेरे पापा बुरी टुकड़ा इनके साथ रहने की वजह से खुद भी बुरे बन गए। मैंने कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा, कभी दूसरों का नुकसान करते हुए नहीं देखा। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं बाबा को बुरी टुकड़ा से? तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अग्नि को फिर से अपना बाबा बनाना होगा। जाओ, जाकर कोशिश करो, और याद रखना, चुनौती जितनी बड़ी होती है, उसे जीतने की जंग उतनी ही बड़ी होती है। और जितना साथ देना था हमने दे दिया। कहाँ साथ दिया आपने? आपने कहा था होली वाले दिन आप वहाँ आओगे, मेरी मदद करोगे, लेकिन आप नहीं आए। आपने झूठा वादा क्यों किया था मुझसे? नहीं बताओगे ना? आज आप सामने आओ और बताओ आप कौन हो और मुझे क्या करना चाहिए। रुक जाओ लड़की। लड़ाई मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जाओ और कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ पर अब वापस मत आना। पर क्यों साधु महाराज? तुमने कहा ना जाओ, तुम्हारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। हमारा जो भी था ना यहीं तक था, अब दूर रहना मुझसे। उम्मीद करता हूँ आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। पापा की डोरी के बहुत याद आती, मुझे फिर से पहले जैसे डोरी बनना है। साधु बाबा को क्या लगता है जो उनके बिना मैं अपने पापा को वापस नहीं ला पाऊंगी पूरी टुकड़ा से? पर मैं उन्हें लेकर दिखाऊंगी, मुझे फिर से अपने बाबा की डोरी बनना। पर उसके पहले भूख लगे उसका क्या करूं? इतने मुश्किल से तो नानी के हाथ का खाना मिला था, पर नानी ने भी घर से निकाल दिया, अब मैं क्या करूं? तो एक काम करती हूँ, मंदिर से प्रसाद ले लेती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने परिक्रमा की है, उसी की पूजा हो रही है। कहते हैं होली के बाद हर तरफ बीमारियाँ फैलती है, क्योंकि ज्वरासुर नाम का राक्षस चारों तरफ बीमारियाँ फैलाता है। उसी की संहार के लिए शीतला माता धरती पे आती हैं। अब कल शीतलाष्टमी है तो उसकी तैयारियां हो रही है मंदिर में। ले भी प्रसाद खा ले माता का। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी को परिक्रमा कहते हैं। वो माता जी से शक्ति मांग रही है,
आने वाले मुश्किल समय से लड़ने के लिए। कहते हैं सच्चे मन से घर से ही लेत की परिक्रमा करते हुए जो आते हैं उनको माँ से सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी मिल जाता? हाँ बेटा, पर ये परिक्रमा तभी पूरी होती है जब बिना रुके बिना किसी विघ्न के पूरी की जाए। मैं भी ये परिक्रमा पूरी करूंगी जिससे मुझे मेरे बाबा वापस मिल जाए। आज के दिन सच्चे मन से जो भी मांगते हैं वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे मेरे बाबा वापस दिला दो सुनीता मैया। मुझे मेरे बाबा वापस दिला दो सुनीता मैया। मुझे मेरे बाबा वापस दिला दो सुनीता मैया। अरे बेटा रुको, छोटे बच्चे ये परिक्रमा नहीं करते। बेटा आपको चोट लग जाएगी। मैं ये परिक्रमा पूरी करूंगा और मुझे मेरे बाबा चाहिए। हे संगता मैया, मुझे मेरे बाबा चाहिए। मुझे मेरे बाबा वापस दिला दो संगता मैया। मुझे मेरे बाबा वापस दिला दो संगता मैया। मुझे मेरे बाबा वापस दिला दो संगता मैया। आपका बुरा नहीं चाहता मां मैं, परंतु आपने जो पाप किए हैं ना, ईश्वर उसकी सजा तो देगा आपको, क्योंकि नियति का यही नियम है। मैं सिर्फ ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके पापों का दंड आपके किसी अपने को ना मिले। सुबह से 6 बार पानी बदल चुकी हूँ पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। वंश का पता नहीं अचानक इतना तेज बुखार कैसे चढ़ गया इसे। हमको भी समझ में नहीं आ रहा। कल तो हम इनको पानी के पास भी जाने दिए, बल्कि 4 बार हमको ही भिगा दिए। भगवान करे कि वंश को बुखार हो, माता ना आई हो। आजकल माता बहुत फैल रही है, ऊपर से कल शीतला अष्टमी भी है। सुना है कि इस समय वो ज्वरासुर बच्चों में बीमारी फैलाते हैं। सुधा दीदी, फिर तो आपको वंश से दूर रहना चाहिए, इसके पास नहीं आना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उसका असर आपके होने वाले बच्चे पर भी तो पड़ सकता है ना। कैसी बात कर रही हो, वंश मेरा बड़ा बेटा है, उसको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती मैं। जी, आपका दिमाग का आलू खिचड़ी खाने गया है क्या? है, दिख नहीं रहा वंश की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए हस्बैंड जी, पहली बात तो ये कि मुझे कभी माता नहीं आई है। अगर आप वंश के पास गए और वंश की वजह से आपको माता आ गई और आपकी वजह से मुझे आ गई ना, तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा और यही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं अपने फोटोज और वीडियोस और रील्स कैसे बनाऊंगी, वो समझ में नहीं आ रही है। देखिए आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक वंश ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम कहीं बाहर रुकेंगे बस। तो माँ को क्या कहेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, हम जाने दो। कह देना कि परिवार की सेहत के लिए हिमालय चढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब हमारे लिए 5 स्टार वाली होटल की बुकिंग कर दीजिए, मेरे और मेरे बच्चों के लिए बस। सबसे चुप कर बाबा के पास कैसे जाऊं? पता नहीं बाबा किस हाल में होंगे, कोई उनका ख्याल रख रहा होगा या नहीं। ए रुक! मेरा मन कह रहा है कि बाबा की तबीयत सही नहीं है, पर मैं किसी तरह उन तक पहुंच भी गई तो इस हवेली में रहूंगी कैसे? मैं कैसे उनके पास रहूंगी उनका ख्याल रखने के लिए? मिला वो लड़का, पीछे नहीं है, इस तरफ देखो। लगता है घर वाले भैया यहीं आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। क्या करूं? रोहित जी,
सब ठीक तो है ना? आपके चेहरे का हाव भाव देखकर हमें डर लग रहा है। हमारे बेटे और पोती की कुंडलियां तो ठीक है ना? कोई डरने वाली बात तो नहीं? काश मैं आपको बता पाता ठकुराइन, पर ये कुंडलियां कह रही हैं कि आपके परिवार की ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। आपके परिवार पर एक संकट का बहुत बड़ा बादल मंडरा रहा है।